बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में राइनोप्लास्टी यानी नाक के ऑपरेशन की पोस्ट ऑप रिजल्ट रिव्यू के साथ दिखाऊंगा। अनीस मेरे साथ बैठे हुए, इसका आज 17 डे यानी सर्जरी के 17 दिन पूरे हो गए। यूजुअली 17 दिन पे नाक दिखाने का काबिल नहीं होते, उसमें स्वेलिंग होती है, लेकिन अनीस का जो स्वेलिंग है वो बहुत कम है और साथ में इसके जो प्रॉब्लम थे वो हल हो चुके हैं, लेकिन इसमें रिफाइनमेंट और भी आएगा। राइनोप्लास्टी जैसे आप सब लोग जानते हो, राइनोप्लास्टी की वीडियोस में अक्सर टिकटॉक पे और राइनोप्लास्टी पाकिस्तान मेरा एक पेज है, राइनोप्लास्टी पाकिस्तान बाय डॉक्टर हबीब, उसमें वहाँ पे अपलोड करता हूँ, क्योंकि राइनोप्लास्टी की मरीज़ अक्सर फुल फेस अलाउड नहीं करते, तो जिसके लिए मैं अनीस का आज बहुत थैंकफुल हूँ कि इसने मुझे अलाउड किया और बहुत खुशी से बोल लिया सर कि कुछ भी करना है मेरे तस्वीर को वीडियो को आप कर सकते हो। तो ये मेरे लिए अनर की बात है और इस तरह बहुत कम मरीज़, हालांकि मैं रोज़ रात को एक राइनोप्लास्टिक की ऑपरेशन करता हूँ और उसमें से बहुत कम यानी महीने में एक मरीज़ या 2 महीने में एक मरीज़ फुल फेस के साथ अलाउड कर देता है। तो अनीस का नाक जो है वो पहले लंबा था, मोटा था और हम्प था, इसका टिप नीचे था। तो फ्रंट से आप लोग देख सकते हो कि इसका बिल्कुल माशाल्लाह नाइसली बिल्कुल स्लिम नाक बन गया है और साथ में ये जो नास्ट्रल का इसका प्रॉब्लम था वो हल हो चुका है। इसका डार्सम ऊपर से आप लोग देख लो बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी ऊपर से हम इसके लिए देखते हैं कि ये नाक टेढ़ा तो नहीं है, स्ट्रेट है या नहीं है, तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन जाती है, इस पे जो शाइन पड़ती है उसी को लोग इसेज करते हैं। अभी भी ये नाक हार्ड है और ये जगह सुन होगा, इसको पता नहीं चलेगा 3 महीने तक, कि 3 महीने के बाद जब ये गोश्त नरम होता है तो फेस की तरह, तो तकरीबन ये 3 महीने लेता है, और ड्राइनेस भी आती है। तो राइनोप्लास्टी के बाद जिन लोगों की नोज़ ड्राई होती है वो लोग थोड़ा लोशन या मॉइस्चराइज़र लगाया करें। राइनोप्लास्टी जो नाक का ऑपरेशन है फुल बेहोशी में होता है और स्पेशली जो 4 प्रॉब्लम होते हैं, यानी या तो नाक में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, या नाक मोटा होता है, या छोटा होता है, या टेढ़ा होता है, ये बेसिक 4 प्रॉब्लम है जिसके लिए हम राइनोप्लास्टी करते हैं। और राइनोप्लास्टी पे पिछले दिनों एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि इस्लामी लिहाज से जायज़ नहीं, तो मैंने मुफ्ती से पूछा तो उसने मुझे पूरा डिटेल भेज दिया कि राइनोप्लास्टी किसी को इंसान की तकलीफ़ को कम करने के लिए करते हैं, यानी अगर आपकी सांस लेने में दुश्वारी है और इंसान के नाक को अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत बनाया, यानी उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर डिफेक्ट आ गया, लेट से हम्प आ गया, टेढ़ा हो गया, या तो को सांस लेने में, तो ये ख़राबी है ना, इसको ठीक करने के लिए राइनोप्लास्टी करते हैं, और इसका ना कोई गुनाह है, ना डॉक्टर पे गुनाह है, ना मरीज़ के लिए गुनाह है। तो राइनोप्लास्टी में ना हमने इसके फेस का शेप चेंज किया, ना इसके नाक का शेप चेंज किया, नाक को हमने नॉर्मल फॉर्म पे लेके आए। तो अनीस का मैं आप लोगों को लेटरल, अच्छा फिर राइनोप्लास्टी जो है ना उसके बारे में बता रहा था कि ये फुल बेहोशी में होता है, उसके लिए रात को एडमिट कर होना पड़ता है आप लोगों को, फिर जब ऑपरेशन करते हैं तो नाक के अंदर पैक्स होते हैं, तो 2 नाइट्स आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाक जो है ना बंद होता है और आप सांस जो लेते हो वो मुंह से लेते हो, नाक से नहीं ले सकते हो, तो मुंह ड्राई होती है, जिसके लिए हम ग्लिसरीन देते हैं कि वो लगाए, यानी वो 2 रात या 2 दिन सख्त होती है राइनोप्लास्टी, पेन नहीं होता है लेकिन मुँह बिल्कुल ड्राई हो जाती है, क्योंकि जब मुँह से सांस लेता है तो इंसान की वो टांग वगैरह ड्राई हो जाती है और रात को भी प्रॉब्लम करते हैं, तो वो 2 नाइट के बाद जब हम पैक रिमूव करें तो तकलीफ़ कम हो जाती है। फिर क्या होता है कि ऊपर जो स्प्लिंट होता है वो 1 हफ्ते तक होते हैं, हफ्ते बाद हम स्प्लिंट रिमूव करते हैं, फिर मैं टेपिंग करता हूँ, टेपिंग मरीज़ घर पे भी कर सकते हैं लेकिन हम भी करते हैं उसके लिए। तो 17 डेज़ पे इस तरह होते हैं जो आप लोगों ने देख लिया। अभी अनीस का आप लोग अगर लेटरल व्यू देख ले थोड़ा जूम करके, इसके लेटरल व्यू में आप लोग ये डार्सम देखते हैं कि कैसा नाइसली बनाए, नहीं बनाए, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे अच्छे रिजल्ट वाले मरीज़ ने मुझे इजाज़त दी आप लोगों को दिखाने के लिए। कुछ लोगों की बहुत सीबिशिया स्किन होती है, हाइल स्किन होती है, मोटा नाक होता है, उसमें फिर इस तरह रिजल्ट नहीं आते, लेकिन उसमें भी वो प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। नीचे से आप लोग देख ले, नीचे से आप लोग देख ले, इसके दोनों नास्ट्रल में थोड़ा फ़र्क है जो आप लोग नोटिस नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि फेयरनेस इसी को बोलते हैं कि अपने ख़राब चीज़ भी दिखा दो। तो ये नास्टल देखो, ये वाला मुझे बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये क्यों है, ये स्वेलिंग की वजह से। इस नाक में अभी इस साइड पे स्वेलिंग ज़्यादा है, ये स्वेलिंग ख़त्म होगा तो ये भी खुल जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और इसके अलावा और इसमें कोई वो ख़राबी नहीं कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। आप लोग नीचे से देख लिया, ये लेटरल व्यू देखते हैं राइनोप्लास्टी में, ऊपर से देखते हैं कि आप लोग नाक का शेप देख ले, इसको लेटरल व्यू थोड़ा जूम करके दिखा दें।
ठीक है। और अनीस बहुत खुश है, तभी मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ। अब ये है कि राइनोप्लास्टी के बाद लोग पूछते हैं क्या करना होता है। राइनोप्लास्टी के बाद सिर्फ ये होता है कि वो थोड़ा केयर करना पड़ता है कि ट्रामा ना हो जाए, किसी से चोट ना लगे नाक को। नमाज पढ़ सकते हो आप लोग, सज्जा लगाओ राइनोप्लास्टी के बाद, लेकिन नाक को टच नहीं करने ज़मीन पे 6 हफ्ते तक। 6 हफ्ते के बाद फिर आप जो है ना इसको सज्जे में भी लगा सकते हो। और 6 वीक्स तक स्विमिंग या इस तरह हैवी एक्सरसाइज या साइड पर लेटना, ये चीज़ें इसमें अलाउड नहीं होती, क्योंकि ये बोन हम तोड़ देते हैं इसमें ऑस्टियोटॉमी मिस करके इसको रिशेप कर देते हैं। तो ये नोज यानी हीलिंग प्रोसेस में होते हैं बोन। अगर वो हील ना हो और आप साइड पे लेट जाए, इस पे जोर आ जाए, तो फिर ये नाक ख़राब हो सकती है। तो अनीस का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, और मैं अगेन इसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इसने आप लोगों को रिजल्ट दिखाया। एंड व्यूअर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।